वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज आज हम जाएंगे तानसेन समारोह में, फुल एंजॉय करेंगे तानसेन समारोह में। बहुत अच्छा होता है तानसेन समारोह और ये ग्वालियर में है, 5 दिन चलता है ये। दुनिया भर से बहुत लोग आते हैं अपने अपने जो अच्छा गाते हैं, और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है, वो लोग भी आते हैं गायन करने। तबला वादक, सितार वादक, ये सारे लोग आते हैं गाइस। और पेंटिंग वाली जो चित्रकला का है उनका एक अलग से पोर्शन बना दिया गया है, तो वहाँ आप पेंटिंग खरीद भी सकते हो। काफ़ी सारी उन्होंने पेंटिंग बनाई है, बहुत इतना अच्छा है। और रात की डेकोरेशन का तो गाइस जितना कम तारीफ करूँ उतनी है, इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ है, ऐसा लगता है सारी चीज़ें बिल्कुल रियल में है। तो ये शाम को शुरू होगा, हम लोग शाम को वहाँ पे जाएंगे। गाइस मेरा न्यू चैनल आ गया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, दामिनी श्रुति ब्लॉग्स, उसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि जो न्यू वीडियो आया करेगी तो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाया करेगा। उसमें एक वीडियो भी डली है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। और जो यूपीएससी लवर्स का है तो वहाँ टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, ट्विटर से नहीं जुड़े तो ट्विटर से जुड़ जाएँ। गाइस शाम को समारोह होगा, समारोह में आपको पूरा, अगर आप लोग ग्वालियर में पॉसिबल नहीं है आ पा रहे हो तो इस वीडियो में इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा समारोह है, लाइटिंग इतना अच्छा, डेकोरेशन है, जो अंदर उनका समारोह चल रहा है उसमें भी ऐसा लगता है सारी चीज़ें बिल्कुल रियल में है। आपको पता है तानसेन का जन्म हुआ था वेहट में, उनकी समाधि भी वेहट में है, वेहट ग्वालियर के पास में ही है, और इनका जो मकबरा है वो हजीरे पे है। तानसेन के लिए 3 प्रसिद्ध बातें बहुत थी, एक तो इनका दीपक राग, बहुत ही अच्छा, ये इतना अच्छा राग गाते थे कि शायद कहा जाता है कि खिड़कियों के जो कांच थे यानी शीशे वो टूट जाया करते थे, इतना अच्छा राग था, और दीपक राग गाने से ही इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें इनको गिना जाता था जो, और सबसे ज़्यादा सितार वादक, सबसे अच्छे सितार वादक थी तानसेन जी। तो यहाँ उनका हर साल होता है, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग ग्वालियर में आके देख सकते हैं। और गाय एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू। फाइनली गाइज हम लोग आ गए तानसेन समारोह में। ये जो गेट है यहाँ से होती है एंट्री, तो हम लोग, अगर आप लोग आओ तो यहीं से जाना होगा। फिर धीमे धीमे यहाँ पे पुलिस भी लगी है क्योंकि चेकिंग के लिए, काफ़ी बड़ा है। अब ये जो अंदर ये तानसेन समारोह लिखा है इसमें हो रहा है समारोह, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन है। इधर उनकी लगी है जो प्रदर्शनी वगैरह होती है चित्रकला की, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स आए हैं, अच्छे अच्छे चित्रकार आए हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, आप खरीद भी सकते हैं यहाँ से। एक एक करके आपको सब दिखाऊँगी। सामने है मकबरा तानसेन का, और ये जो जगह है जो ग्वालियर में हजीरे पे है, तो गाय ये देखिए कितना अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है, बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। और काफ़ी सारी पब्लिक भी है यहाँ, ये है पेंटिंग्स, ये देखिए कितनी सारी अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छी। और ये 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी इसमें लिखी है, ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं राजस्थान बताया है यहाँ पे उनकी चित्रकला में। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, इन्होंने उन पे एक राग गाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये छोटा छोटा ये है राग हिंडोल, उनने लिखा था 18वीं शताब्दी का है ये। पेंटिंग्स भी काफ़ी बहुत पसंद आई, अगर आप खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो यहाँ से। अभी पेंटर भी दिखाऊंगी, कुछ लोग अभी पेंटिंग कर रहे हैं। ये भी है पेंटिंग्स, ये गाइस मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग्स लगी, कितनी अच्छी अच्छी है। ये किए वाली बिल्कुल रियल लग रहे थे, ये देखिए ये पेंटिंग्स कर रहे हैं चित्रकार यहाँ पे। इतनी अच्छी अच्छी बनाई है इन्होंने भी, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है।
और साधक। ये लोग बाहर से आए हैं सारे बहुत, और इधर पब्लिक है, अंदर भी पब्लिक है। एक पेंटिंग को इतना अच्छा बनाया है, बिल्कुल रियल लग रही है। अब जाएंगे समारोह में अंदर। समारोह है, बहुत अच्छी, मतलब मंच भी इतनी अच्छी बनी है। अब यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगा, एक इतना अच्छा गा रहे हैं। तालियों की कालिदास सम्मान से अनुपूर्ण पंडित सुरेश तलवलकर, पंडित प्रताप पवार, पंडित कालीनाथ मिश्र, पंडित सजीव चिपनगी, पंडित देवाशीष डे, संगीत विदुषी कलापिनी कोमकली आदि के साथ आपने हारमोनियम देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइस ये मूर्तियाँ वगैरह हैं कंचन की। इधर से यहाँ तक काफी कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी हैं गाइस, बहुत अच्छा लगता है। हर साल ये समारोह होता है यहाँ ग्वालियर में, हजीरे पे, तानसेन के मकबरे पे। देखना इतना अच्छा, मतलब लग रहा है यहाँ पे। आज हम लोग यहाँ तानसेन समारोह देखने आए थे, बहुत अच्छा समारोह होता है यहाँ पे। पूरी दुनिया भर से अपनी अपनी रचना दिखाने लोग आते हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, संगीत हैं, जो तबला वादक हैं, वो सारे आए हैं यहाँ पे। उन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी बनाई हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सारा दिखाऊंगी। आपको वीडियो पूरी देखूंगी, नहीं करनी, जिसमें हमने मकबरा देख ही लिया है। यहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे आपको देखना है। बहुत अच्छा है गाइस, इतना अच्छा लगता है। 5 दिन तानसेन समारोह चलता है। जैसा आपको बता रहा, तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में हजीरे में। तानसेन की जन्मस्थली थी येहट में, वहाँ भी इनका एक मकबरा बना हुआ है, समाधि बनी है तानसेन की। तो यहाँ आके आप देख भी सकते हैं जब आप लोग ग्वालियर आए।